वन हमारे वन्य जीवों का निवास है और वनों के नष्ट होने पर जंगली जानवर और वनस्पति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरणीय संतुलन के दृष्टिकोण से देश के कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, किंतु भारत में इस समय मात्र 23% भूभाग पर वन आवरण है। विभिन्न राज्यों के बीच वनावरण में भिन्नता पाई जाती है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेशों में से है और इसकी लगभग 41.75% जमीन पर वनों का आवरण है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में केवल 5.7% और ओडिशा के 31.36% जमीन पर वनावरण है। उत्तर पूर्व के राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय आदि में सबसे अधिक वनावरण है, लगभग 70 से 83%। उपवन भूमि। इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं, अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ों को काटकर इस भूमि को कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है। इस कारण विगत 60 वर्षों में यह 7% से कम होकर मात्र 1% रह गई है। कृषि भूमि। हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950-51 में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, जो आज के समय में 46% है। कृषि भूमि का विस्तार 1970 से लगभग स्थिर है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी जमीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही हैं, लेकिन भारत में केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उसी पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है।